सो हे देयर, कैनिबल हेयर। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे सीओडी मोबाइल पबजी मोबाइल से पांच तरीकों से बेटर है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बेटर ग्राफिक्स। जी हाँ, सीओडी मोबाइल में आपको पबजी मोबाइल के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़िया ग्राफिक्स मिलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि सीओडी मोबाइल का जो सीज़न पास होता है और पबजी मोबाइल का सीज़न पास होता है, इन दोनों में हमें मेन डिफरेंस दिखने मिलता है। सबसे पहला जो पबजी मोबाइल का जो सीज़न पास है, उसमें आपको सीज़न में आगे बढ़ने के लिए या उसके लेवल को 100 तक पहुंचाने में आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मिशंस करने पड़ते हैं, जो आपका गेम प्ले एक्चुअल में ख़राब करता है। और जहाँ बात करते हैं हम सीओडी मोबाइल का, तो सीओडी मोबाइल में हमें कोई मिशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपना गेम जैसे एज यूजुअल जैसे गेम खेलते हैं, आप वैसे ही गेम खेलिए और आपका सीजन पास का लेवल ऑटोमेटिक ही बढ़ते रहेगा। तो ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट। और अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट है हमारा फ्री स्किन्स। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि पबजी मोबाइल में हमें अगर कोई भी स्किन्स चाहिए, तो हमें यूसी परचेस करके, लकी ड्रॉ वगैरह या क्रेट ओपनिंग करके हमें स्किन मिलते हैं। लेकिन सीओडी मोबाइल में हमें वैसा कुछ क्रेट ओपनिंग करके या लकी ड्रॉ में जो स्किन मिलते हैं उनको छोड़ के और भी स्किन आप फ्री में, जो यानी जो फ्री टू प्ले प्लेयर्स हैं उन लोग को भी बहुत सारे स्किन ऐसे ही फ्री में मिल जाते हैं, जो जो आपका सीजन मिशंस हुए या ऑब्जेक्टिव मिशंस, इन सब को करके भी आपको बहुत सारे स्किन फ्री में मिल सकते हैं। यहाँ तक कि जो सीओडी मोबाइल में क्रेडिट स्टोर है, क्रेडिट स्टोर में भी आपको बहुत सारे औसम औसम स्किन्स मिल सकते हैं। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट पे। तो चौथा पॉइंट हमारा ये है कि सीओडी मोबाइल में जो हमें टीडीएम पे वेपन्स के जो कस्टमाइजेशन मिलते हैं, वो बहुत ही एडवांस लेवल के हैं। हम पबजी में मेनली हमें पबजी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 6 इक्विपमेंट मिलते हैं, जो हम अपने टीडीएम में या फिर बैटल रॉयल में हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं अपने वेपन को। लेकिन सीओडी मोबाइल में हमें बहुत से एडवांस लेवल, जैसे कि पर वेपन पे हमें मैक्सिमम 50 से भी ज़्यादा तरह के हमें इक्विपमेंट मिलते हैं, जिससे हम अपने वेपन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ तक कि हम अपना खुद का यूनिक वेपन भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अगर हमें सारे एडजस्टमेंट के बारे में प्रॉपर अगर नॉलेज हो तो। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट। बढ़ते हम अपने आखिरी पॉइंट पे। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि कंपैटिबिलिटी। जी हाँ, पबजी मोबाइल को अगर हम किसी 3 GB RAM या 2 GB RAM वाले डिवाइस पे खेलते हैं, तो वो खेलने लायक तो बिल्कुल ही नहीं रहता है। लेकिन सीओडी मोबाइल पे हम अगर उसको 2 GB या 3 GB RAM पे भी खेलेंगे, तो वो कम से कम मिनिमम आपको 30 FPS तो ज़रूर प्रोवाइड करेगा। और सीओडी मोबाइल का गेम चौपी या लैगी तो बिल्कुल नहीं है, आप स्मूथ गेम प्ले एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में बस मैं यही बताना चाहता था कि कैसे सीओडी मोबाइल पबजी मोबाइल से ज़्यादा बेटर है इन 5 पॉइंट पे। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक करें और आगे ऐसे ही सीओडी मोबाइल के कंटेंट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।